What is going on guys, this is Vasis Mohanty, wisdom of the beautiful game। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो सॉकर टिप्स के ऊपर होने वाला है। मैं आपको एक फुटबॉल टिप्स दूंगा, तीन फुटबॉल टिप्स दूंगा। इस तीन फुटबॉल टिप्स को आपको गेम में इंप्रूव करना, गेम में आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन टिप के बिना आपका गेम में एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा बेटर प्लेयर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला टिप नंबर वन, एक्चुअली टिप एक ही टिप है, उसको मैं तीन टाइप में डिवाइड करूंगा, तीन पार्ट में। तो टिप ये है कि ऑलवेज डिमांड द बॉल। बॉल आपके आप फील्ड में जिस भी पोजीशन में हो, आप फील्ड में जहां कहीं भी हो, आपको हमेशा बॉल को डिमांड करना है। ए भाई बोल दो इधर उधर, हमेशा आपको बॉल डिमांड करते रहना है। कुछ प्लेयर्स, कुछ भाइयों मुझे ये बोलेंगे कि नहीं ये तो कुछ जानता नहीं है, ये तो बेकार बात बोल रहा है, मैं तो डिफेंस में खड़ा होऊंगा तब भी मैं कैसे बॉल डिमांड कर सकता हूँ। नहीं, वैसा डिफेंस में खड़ा होकर आपको गलत टाइम में डिमांड नहीं कर रहा है। मैं मेनली मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड के लिए ये टिप है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल कभी डिमांड नहीं करते, मतलब उनको बस 90 मिनट्स तक खेलना है। 90 मिनट्स के जितना भी मिनट्स हुआ, 45 मिनट्स हुआ, 90 मिनट्स हुआ, उनको बस खेलना है और कैसे भी करके खेल के निकल जाना है। उनका मेंटालिटी यही होता है, मैं छुप छुप ऐसे खेलूंगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बॉल के साथ पूरा डरे हुए रहते हैं। बॉल मेरे पास आएगा फिर कोई मुझसे छीन कर ले लेगा, फिर मेरे टीममेट्स मुझे बहुत ज़्यादा गाली देंगे, ऐसा उनका मेंटालिटी हो जाता है। तो ऐसा टाइप का मेंटालिटी नहीं रखना है आपको, आपको बॉल को बहुत ज़्यादा डिमांड करना है। अभी मैं आपको तीन रीजन्स के बारे में बताऊंगा, ये तीन रीजन्स के लिए आपको बॉल हमेशा डिमांड करना चाहिए, क्यों आपको बॉल हमेशा डिमांड करना चाहिए। रीजन नंबर वन, टच। आप बॉल को जितना ज़्यादा बार डिमांड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बॉल को फील करेंगे, बॉल के साथ टच लेंगे आप। बॉल के साथ उतना बार आपका टच होगा उतना बार आप बॉल के कांटेक्ट में आएंगे, जितना बार आप बॉल के कांटेक्ट में आएंगे उतना आपका मसल मेमोरी स्ट्रांग होगा। मसल मेमोरी मतलब बॉल के साथ आप जो कर पाएंगे, मतलब आप कंफर्टेबल फील करेंगे। और जितना बार आपका मसल मेमोरी स्ट्रांग होगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना ही आपका डर खत्म होगा। बहुत प्लेयर जो डरते थे पहले, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज है, उनका डर खत्म होने वाला है। क्योंकि बॉल के साथ आप जितना टच बिताएंगे, चाहे गलत हो, पहले गलत होगा, गलती सबका होता है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, लियोनेल मेसी का, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके देख लीजिएगा, उनके पिछले वाले फुटेज देख लीजिएगा, उनने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है अपने पिछले के टाइम में, बॉल के साथ मतलब इधर उधर का स्किल करते थे, मतलब करते वो गिर जाता था, ये करता था, लेकिन फिर भी वो किससे वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे, क्योंकि वो बॉल को जितना भी गलती हो उनका, वो बार बार बॉल को डिमांड करते थे। बार बार आपका गलती हो या ना हो, आपको डिमांड करते रहना है बॉल को। आप जितना डिमांड करेंगे उतना ही आपका चांसेस होगा कि आप बॉल के साथ कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा बॉल से।